हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में है हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जो है सेट 19 चल रहा है। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने दोस्तों को बता दो। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जैसी क्लास खत्म होगी विद इन मैं 5 मिनट दूसरी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, चाहे जितने मर्जी बजे वो क्लास हमारी खत्म हो। तो इससे क्या है कि आपकी एक कॉन्टीन्यूटी बन जाएगी और 70-80 क्वेश्चन जो है आप एक साथ पढ़ लोगे और बाद में फिर एक दो घंटे तक आप पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इसलिए क्लास का टाइमिंग फटाफट मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, कि आपका बीच में गैप ना रहे, नहीं तो वो आधा घंटा बेकार जाएगा आपका और अभी काम भी आ जाएगा। तो देखते हैं आज के स्क्रीन के ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन लगाइए सर क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड द मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता अंबेसडर अवार्ड। किसको मिला है ये स्वच्छता अंबेसडर अवार्ड? स्वच्छता अभियान जो चला था अभी क्लास में हमने डिस्कस किया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 तक का था। और ये अवार्ड जो मिला है ये मिला है हमारे ग्रेट प्लेयर लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड मिला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन लगाइए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो क्लॉट हो जाए, हमारा कट लग जाए, तो उसको रोकने में ब्लड काम करना कौन करता है? प्लेटलेट्स। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखते हैं, इसी कारण जब डेंगू होता है किसी पर्सन को प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में ये काम आते हैं। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट को WBCs कहते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है, ठीक है। और प्लस जो ल्यूकीमिया वर्ड होता है इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया इज द ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया इज द ब्लड कैंसर, ये आपको ध्यान रखना है। एरिथ्रोसाइट लिखा गया है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट लिखा गया है। एरिथ्रोसाइट होता है सेकंड ऑप्शन में जो है हमारा वो RBCs होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होते हैं? RBCs 5 से 5.5 मिलियन तक, और उसके बाद 6,000 से 8,000 WBCs होते हैं और 1.5 लाख से 3.5 लाख जो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। ऑप्शन इज फोर थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट मार्कर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारे देश में कौन से ईयर में बैठी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है लोग टोटल कितने थे? 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे, 389 मेंबर्स बैठे थे। और 9 दिसंबर 1946 के अंदर ये कमेटी हमारी पहली मीटिंग हुई थी। और क्वेश्चन ये है कि इसको बनाने के लिए कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था, जब जाके ये 389 वाले मेंबर्स बैठे थे, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया था प्रेसिडेंट, ये टेम्परेरी थे। लेकिन 11 दिसंबर को आपके परमानेंट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो हमारे पहले देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट कर दिया गया था। 64 लाख रुपये खर्चा आया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के अंदर, क्लियर। आंसर क्या बनेगा? 1946। इट मींस बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए जी, आंध्र प्रदेश के लोकायुक्ता पहले अपॉइंट कौन हुए हैं? देखिए लोकायुक्ता और जो लोकपाल होता है ये क्या काम करता है? जितने भी आपके ग्रीवेंसेज होते हैं उनको सॉल्व करता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इनको सॉल्व करते हैं, क्लियर। और ये रिटायर्ड जज होता है करप्शन फ्री बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन डैट इज पी लक्ष्मण रेड्डी, ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, मेटल्स जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे जैसे ही मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? देखिए मेटल जो होती है आपकी जिंक ले लो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दो NaOH के साथ, लेकिन इसके दो पार्टिकल लगा देते हैं तो इसमें बनेगा क्या? Na2ZnOH, क्लियर, सॉरी O2, क्लियर, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बन रही है। तो थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन डेट इज डी, हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, लाइम वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर। डेट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। इसमें बाकी ऑप्शन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? सोप्स,
साबुन वगैरह के अंदर, इसमें जितने भी जो आपके सोप्स होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम आयन होते हैं फैटी एसिड के, सोडियम जो होता है और पोटाशियम जो होता है नहाने वाली साबुन के अंदर होता है, बाथ साबुन के अंदर, और सोडियम होता है कपड़े धोने वाली साबुन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूसरा ऑप्शन है, MgOH2 ये क्या है हमारा एंटा एसिड है, क्या है एंटा एसिड, जो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी वगैरह को खत्म करता है, क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका हाउस होल्ड वगैरह में, इंडस्ट्री क्लीनर वगैरह में यूज होता है, क्लीनिंग वगैरह में यूज होता है, सैनिटाइजर भी यूज किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। मार्कर नेक्स्ट लगाइए जी, सातवां क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, सातवां क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, काफी बच्चे जो हैं यहाँ पे बोल भी रहे होंगे, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड कि ये क्लासेस का टाइम जो है कौन सी क्या है, जो भी आप बोल रहे होंगे। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि कल जो है हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमारी पहली क्लास ख़त्म होगी तो उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। तो आपको मैं बिल्कुल वेट नहीं करवाना चाहता कि आप आधा घंटा वेट करो, वेस्ट करो, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लिखिए जी आगे, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन से सिंगर को मैग्निफिकेंट जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स लंदन में मिला है, ये कौन से सिंगर हैं, ये सिंगर हैं जी सोनू निगम। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए जी आठवां क्वेश्चन, परसेक जो है वो यूनिट किसके हैं, परसेक ये यूनिट होते हैं, ये होते हैं डिस्टेंस के यूनिट हैं। लाइट ईयर जो है वो भी डिस्टेंस के यूनिट हैं। लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं 10^15 मीटर बन जाएगा। और अगर उन्होंने पूछ लिया परसेक और लाइट ईयर में क्या डिफरेंस होता है, परसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर जो है आपका बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आठवें का आंसर बनेगा जी बी ऑप्शन, दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, डू और डाई जो है वो किस मूवमेंट के साथ संबंधित है। क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लगते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने हमेशा आपको फोकस किया है कि क्वेश्चन देख के छोड़ो मत, क्वेश्चन देख के ऐसे मत सोचो आसान है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। डू और डाई सबको बताओगे, गांधी जी का नारा था, ये किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, लेकिन किसी को डेट नहीं पता होगी, ईयर पता होगा 1942, डेट नहीं पता होगी 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त याद रखनी है आपको, क्लियर, 8 अगस्त 1942 को। और यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई भी लीडर नहीं था, तो ये क्या थी, लीडरलेस मूवमेंट, क्लियर। अगर वहाँ पे लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता तो उसमें टिक क्या करोगे, महात्मा गांधी को आप टिक करोगे, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नेचर पूछ लेते हैं, नेचर ऑफ द जो वॉर था, ये सॉरी वॉर कह रहा हूँ, ये मूवमेंट थी वो वायलेंट नेचर थी, जिसके कारण लोगों को पकड़ा भी गया था, जेल भी डाला गया था। खिलाफत मूवमेंट दो लोगों ने, मोहम्मद अली शौकत अली ने करी थी, मुसलमानों के लिए करी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी उस दिन करी थी, और जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए करी थी, हत्याकांड के लिए करी थी, जो रोलट एक्ट के दौरान अमृतसर पंजाब में हुआ था। डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक पूरे टोटल 79 लोग थे, 78+1 गांधी जी भी एक साथ थे। 385 किलोमीटर इन्होंने जो है करी थी, ये क्रॉस की थी, क्लियर। और ये साबरमती से निकल के कहाँ गए थे, डांडी पहुंचे थे, दोनों जगह गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए जी दसवां क्वेश्चन, टीनिया जिसे आप टेपवॉर्म कहते हैं, फिशियोला लीवर फ्लू कहते हैं, ये किसकी एग्जांपल हैं। टेंथ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स ए एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेलमिंथेस, बी ऑप्शन आपको याद कर लेना है, बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपॉड है, सबसे बड़ा फाइलम, और दूसरे नंबर पर आता है मोलस्क, ये सबसे बड़ा फाइलम है पहला और ये नंबर दूसरा, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट लगाइए जी, कौन सी स्टेट और यूटी जो बोल रही है कि पहली हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे हमारे इंडिया में,
तो वो कौन सी स्टेट और यूटी है, वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने बोला है 11th का ऑप्शन क्या बनेगा, ए। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बाइजाल। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, दूसरा बड़ा फाइल अभी मैंने आपको करवाया था, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है और दूसरा कौन सा है, मोलस्क है। तो 12th क्वेश्चन का सीधा आंसर लगाएंगे हम, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, एक टाइम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम का उसका टाइम क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। क्लियर, ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक चीज मैं बताता हूं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, जी इज द ग्रेविटी, एल इज द लेंथ। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमेशा लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है। और इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कि एक टाइम में एक सेकंड के अंदर वो कितना ऑसिलेट कर गया, एक सेकंड में वो कितने झटके खा गया, वो ऑसिलेट कर गया, उसको क्या कहते हैं हम, आपका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, जेलसिटा अप्रेचियो हु हैज बीन नेम यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर, ये कौन सी कंट्री से हैं, ये हैं जी मैक्सिकन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म रोमा में काम किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, 14th का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैक्सिको, 14 इज ए ऑप्शन, मैक्सिको से हैं। नेक्स्ट लगाइए जी, 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा फंडामेंटल राइट है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ चल रही है, देखो क्वेश्चन लेट बच्चे का मैसेज आ रहा है, ओके। तो यहां पे कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है, तब हम जाके जो है कौन सी उसमें फंडामेंटल राइट में बात करते हैं, तो ये रिट की बात कर रहा है जी, रिट की बात कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, बहुत सॉरी, मैग्ना कार्टा तो बोला जाता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आर्टिकल 32 को बोला जाता है हृदय और आत्मा, हार्ट एंड द सोल, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, जिसमें जो है आपकी 5 तरीके की रिट्स आती हैं, रिट कितनी है, 5 तरीके की रिट्स आती हैं जिसमें हम जा सकते हैं। और आपके आर्टिकल 226 आता है किसमें, हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इज बी, एजुकेशन राइट पहला ऑप्शन देखिए, वो 29 और 30 नंबर आर्टिकल है। तीसरा ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 है, और रिलीजन वाला जो है हमारा 25 से 28 तक है। क्लियर, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट लगाइए, किसी वस्तु का जो मास है वो धरती के ऊपर 60 kg है, तो उसका जो वेट है मून के ऊपर क्या होगा, 100% ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, 110% मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप गलत करोगे। रीजन बीइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा समझ के करने वाला है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उसने क्या बोला है कि जो मास है 100 है, मास इज 100 या मास इज 60, मास इज 60 kg, जब मास 60 kg है तो हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8, क्या होती है, 9.8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा वेट, वेट ऑन अर्थ इज m इंटू जी, डेट मीन्स 60 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 558 kg बनेगा। तो ये हमारा वेट हो गया, और हमारा जो वेट होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है मून के ऊपर वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 558 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 6 पे डिवाइड करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 98 के आसपास आएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 100, क्योंकि 100 में ऑप्शन है, तो 100 न्यूटन हमारा जो है वेट बनेगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखिए जी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर, 100 kg इज द राइट आंसर। क्लियर, इट से 100 न्यूटन और 100 kg। नेक्स्ट लगाइए, ये क्वेश्चन देखिए जी, बड़ा बोल तो रहे हो 1/6 तो होता है, होता कैसे है, निकाल लोगे कैसे, ठीक है, ये कर लो बातें 60 90, ये वो सब गलत हो रहे हैं सबके, आंसर इज 100। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल जो है वो कहां पे लॉन्च किया गया है। कैमल को हम बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है,
शिप ऑफ द डेजर्ट, क्या बोलते हैं हम, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। और ये कहाँ पे है जी, दुबई के अंदर इसको बात करी गई है, दुबई के अंदर पहला कैंबल हॉस्पिटल के लिए दुबई के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा हिमालयन बैंड है जब ईस्टर्न बाउंड्री के पास बनता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा इंडिया का मैप अगर हम देख के चलें, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंड है, यहाँ से जो हमारी इंडिया को अंदर को आती है ना, ये वाला बैंड नामचा बारवा, जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है हमारा, ईस्टर्न पार्ट में नामचा बारवा यहाँ पे है, और यहाँ से जो कोर्स आता है दिहांग गोर जाता है, जिसमें आपकी ब्रह्मपुत्रा जो सेंगपो आती है ना, सेंगपो जो हमारी तिब्बत में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में बोलते हैं, यहाँ से आती है और इसको दिहांग गोर्ज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में ही पहली बार हमारा जो है सन दिखता है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर। और जो ऑप्शन है जोजिला पास, ऑप्शन ए, तो ये क्या है, श्रीनगर और लेह के बीच में, श्रीनगर और लेह के बीच में हमारा ये वाला पास बनता है, कौन सा, जोजिला पास, ठीक है। भूटान बॉर्डर लिखा गया है, भूटान बॉर्डर के साथ हमारी कौन सी स्टेट जुड़ती है, वेस्ट बंगाल जुड़ता है, सिक्किम जुड़ता है, अरुणाचल जुड़ता है और असम जुड़ता है, ये जुड़ते हैं जी हमारे भूटान के साथ, ये किसके साथ जुड़ते हैं, भूटान के साथ। और नेक्स्ट वन इज द नेपाल, नेपाल कहाँ पे जुड़ता है, नेपाल जुड़ता है उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, UBS, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अच्छा, वन मोर इज नेपाल के साथ क्या है, वेस्ट बंगाल भी जुड़ता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सारे आपको फैक्ट पता होने चाहिए। आपको आंसर क्या बनेगा जी हमारा, ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, दिहांग गोर्ज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, सो अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, द अरेस्ट ऑफ डैश इन 1930 लेड टू एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर। ये देखिए जी, इनको हम बोलते हैं सीमांत गांधी, इन्होंने भी सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बात करी थी, सिविल डिसोबीडियंस, इनको खुदाई खिदमतगार से बिलोंग किया जाता है, रेड शर्ट से बिलोंग किया जाता है, और ये पर्सन कौन थे हमारे, 19th क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, खान अब्दुल गफार खान थे, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, और रेड कलर की शर्ट पहनते थे। अबुल कलाम आज़ाद लिखा गया है, ये पहले हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे और INC के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन पहले देश आज़ाद भारत के राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी डेथ ऑफिस में हुई है, उनके कार्यकाल में हुई है, तो वो जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट लगाइए, 20th क्वेश्चन, हमारी जो GDP है हमारे देश की, वो इनमें से कौन सी जो कहाँ से हम नहीं लेते। तो हमारे तीन सेक्टर होते हैं GDP के लिए, पहले तो GDP आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, जिसमें आपकी टोटल चीज़ें जो जितनी भी बनती हैं वो बात करी जाती है। और ये क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर के लिए, सेकेंडरी होता है इंडस्ट्री के लिए, और टर्शरी होता है सर्विसेज के लिए, क्लियर। और इसमें इंटरनेशनल सेक्टर का लेना देना कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो GDP आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है, सबसे ज़्यादा कम आती है एग्रीकल्चर से, हालांकि जो सबसे ज़्यादा लोग इंप्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर में लगे पड़े हैं, ठीक है। आंसर इज 3 ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बात कर रहे हैं वो कौन है, क्लियर। ये है एयर मार्शल राकेश के भदौरिया, दैट मींस ऑप्शन क्या बन गया जी आपका, ऑप्शन क्या बन गया आपका, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। इट्स ए 21st क्वेश्चन, 21st इज डी ऑप्शन, क्लियर। विपिन रावत तो चीफ आर्मी है, चीफ आर्मी के ऑफिसर हैं, और एडमायरल करमवीर सिंह जो हैं वो चीफ नेवी हैं, चीफ नेवी के एडमायरल करमवीर सिंह। 22 लगाइए जी, मुगल पेंटिंग का जो काम है वो किसके टाइम पे स्टार्ट हो चुका था, वो हो चुका था हुमायूं के ऊपर, हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आगे आगे फ्लरिश होता गया। अगर उन्होंने पूछा पेंटर किंग कौन है, पेंटर किंग था जहांगीर, क्लियर। और जो आपका पेंटर किंग कहते हैं सोने की जंजीर के लिए, ये भी फेमस है न्याय की जंजीर के लिए, क्लियर। हुमायूं इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। और हुमायूं को टाइम पे हुमायूं नामा लिखा गया है, हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, क्लियर। और हुमायूं को हराया किसने था, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने,
क्लियर, ये आपको याद रखिए 1539 और 1540, 1540 वाली जो लड़ाई थी वो आपकी डिसीजिव बैटल थी और शेरशाह सूरी ने हरा के अपना सुर एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया था। 15 साल तक जो है हमारे देश के ऊपर मुगलों का राज खत्म था, 1540 से 1555 तक। क्लियर, ये आपको याद रखिए। आंसर इज ए ऑप्शन हुमायूं। नेक्स्ट लगाइए 23rd क्वेश्चन, एसिड और बेस के अंदर जब रिएक्शन चलती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। तो आंसर इस क्लास का, इस क्वेश्चन का बनेगा 23 का न्यूट्रलाइजेशन आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कहता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो चीज़ होती है जब भी सॉलिड सब्सटेंस को सीधा हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट लिक्विड स्टेज। क्लियर, ऑप्शन इज क्या बनेगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए 24th क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है 24th क्वेश्चन, क्या कहता है कि इंडियन कॉरपोरेट जो है, कौन सी ऐसी इंडियन कॉरपोरेट है जिसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए अवार्ड जीता है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी के अंदर। क्लियर, वो है इन्फोसिस। 24th इज ए ऑप्शन, 24 इज ए। और इसके जो अगर आपसे पूछा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, इन्फोसिस के बेंगलुरु में है, और इसके सीईओ का नाम क्या है, सलील पारेख इसका नाम है, सलील पारेख। नेक्स्ट लगाइए जी 25, कौन सा ऐसा मैटर है जब भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस कर सकती है, आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है। आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस किसको दे सकती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीज़ बाइंडिंग नहीं होती। आंसर क्या बनेगा हमारा, 25 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, ओरिजिनल में मैंने आपको बताया था कि जिसमें फेडरल करेक्टर संघीय चरित्र को बना के रखना होता है, सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट के झगड़े को सॉल्व करना होता है। रिट में फंडामेंटल राइट के लिए हम जा सकते हैं, और अपील में हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। 26वां लगाइए जी, जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किससे बना होता है। इंडिया, इंडिया का मैप ले लो, ठीक है, इंडिया का मैप ले लो, तो यहाँ पे क्या है, हिमालयाज, हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालय से रिवर्स आ रही हैं, और रिवर्स जो भी होती हैं जिसमें फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज होते हैं ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, तो यहाँ पे एक जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉयल, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉयल है और मैक्सिमम रीजन में होती है। आंसर क्या बनेगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एलुवियल सॉयल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉयल है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लायन, लेपर्ड और टाइगर जो हैं ये कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। देखिए अब आपको पहले तो जीनस पता होना चाहिए, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर आया था, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के अंदर एक बंदा जीनस है, मतलब नाम है जीनस, एक है स्पीशीज, जीनस पहला नाम, स्पीशीज दूसरा नाम। जैसे लियो लिखा गया है उसका नाम क्या होगा, पैंथरा लियो। दूसरा क्या लिखा गया है, इट्स ए लेपर्ड, तो पैंथरा इट्स पार्डस। तीसरा लिखा है टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है, ये स्मॉल में होता है। तो ये आप एक चीज देखिए, तो पहला नाम पूछ रहा है तो कौन सा जीनस है, पैंथरा इज द जीनस, सो इट मींस 27 का ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, पैंथरा। और बाइनोमियल नॉमनक्लेचर किसने बताई थी, लीनियस ने, और लीनियस किसके फादर हैं, टैक्सोनॉमी के। जब भी हम किसी चीज को क्लासीफाई करते हैं, नॉमनक्लेचर करते हैं टैक्सोनॉमी के, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए 28, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर, स्टोर नहीं पूछा है तो नहीं कर सकते। एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, दैट इज लिनक्स, थर्ड ऑप्शन, वो जो है आपका सॉफ्टवेयर है, आईपॉड, पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क, ये सारे आपके स्टोरेज डिवाइस हैं, इसमें मेमोरी स्टोर करी जा सकती है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था। प्रोटॉन को डिस्कवर एक्चुअली करने वाला पर्सन, 29 क्वेश्चन इज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने रखा था, थॉमसन ने, जे जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन चैडविक, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आंसर इसमें ऑप्शन क्या है, रदरफोर्ड, क्योंकि गोल्डस्टीन ऑप्शन में रदरफोर्ड को टिक करेंगे। 29 इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेडरिच मिशर वर्ड लिखा गया है, क्रोमोसोम को, डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन्होंने बताया था। हेनरी बेक्यूरल जो है आपका रेडियो एक्टिविटी के लिए बात करता है। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के लिए बात करता है। क्लियर, नेक्स्ट लगाइए 30th क्वेश्चन,
बायोस्फीयर है जिसमें हम लोग भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सारे एक साथ रह रहे हैं, दूसरे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? 30th क्वेश्चन, इस चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। जब भी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें और वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो इकोसिस्टम बोला जाता है। ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर। अब आपके लिए 5 बोनस क्वेश्चन हैं और वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। सर लगाइए, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को लगा दीजिए, आंसर फटाफट बताइए कि आपका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे बड़ी जो रिवर है इंडिया के अंदर कौन सी है? गंगा। अगर वर्ल्ड में पूछा तो नाइल रिवर है, वर्ल्ड में पूछा तो नाइल रिवर हो जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कैनाल हमारे इंडिया में कौन सी है? इंडिया में सबसे इरिगेशन कैनाल है हमारी, डेट इज इंदिरा गांधी, अप्रोक्सीमेटली 204 किलोमीटर तक की है। हरी के बैरेज से स्टार्ट होके ये जाती है राजस्थान में। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड लिखा गया, लॉन्गेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम इंडिया में कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा डैम है महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर पहला डैम भी लगा था, सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है हीराकुंड डैम जो है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम है हमारे इंडिया का। क्लियर। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट सी बीच हमारे इंडिया में कौन सी है? डेट इज मरियाना बीच। ये कहां पे है? ये है चेन्नई इंडिया में। क्लियर, तमिलनाडु कोस्ट के पास है और सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन बीच है, लॉन्गेस्ट अर्बन बीच है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेलाइन लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी नमक की झील वाली पानी की लेक कौन सी है हमारी, वो बताइए जी कौन है। ये सबसे लैगून है एशिया के अंदर है और इसका नाम क्या है? चिलिका लेक। सो चिलिका लेक इज द राइट आंसर, चिलिका लेक। क्लियर, चिलिका लेक कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। चिलिका लेक कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। और इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हुआ था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी पता होना चाहिए इसको। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर जो है, जो चीजें मैनमेड एक्टिविटी से खराब हो जाती हैं उसको कंजर्व किया जाता है, और रामसर साइट 1981 के अंदर इसको कंजर्व किया गया है, आपकी रामसर साइट भी है ये। क्लियर, और ये इंडिया और एशिया के अंदर सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट क्या है आपकी लेक है, कोस्टल लेक है। क्लियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लेक्चर के अंदर। कल हम फिर मिलेंगे 6 बजे, जैसे आपको पता है कि 6 बजे ही खत्म हो, दूसरी क्लास खत्म होती है, साथ के साथ ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, आप अटेंटिव रहे, पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना है। अगर 1 घंटे भी मेरे साथ जीएस पढ़ गए ना तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसका वेट मत करो कि बीच में आधा घंटा गैप दूं और अपना टाइम खराब करो। क्लियर, बाकी जाने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर ये लिंक दिख रहे होंगे, यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपन गोयल, वैसे आप सबको पता है, स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक दिख रहे होंगे, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर। क्लियर, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक।